हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अरमान मलिक। अगर मैं आपको बता दूं कि अरमान मलिक ने चौथी शादी कर ली है तो आपको झटका लगा? मुझे भी लगा, बट एज एक्सपेक्टेड। अब मैं आपको बता दूं, करवा चौथ का एक काफ़ी हद तक ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है जो सभी मनाते हैं। तो यहाँ पे हमें कृतिका मलिक एक्सेप्टेबल, एंड देन उसके बाद पायल मलिक भी एक्सेप्टेबल। बट यहाँ पे जो लक्ष्य है, जो बेसिकली इनकी नैनी है, बच्चों को केयर टेकर है, केयर टेकर करती है और घर का भी ध्यान देती है, तो बहुत सारा वगैरह भी देखने को मिलते हैं। बट यार, करवा चौथ में लाल जोड़ा, हाथ में मेहंदी और यहाँ पे पिक्चर अपलोड किया है, मतलब कि अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे, और लिखा है कि हेटर्स तो हेट कमेंट करते ही रहेंगे, कौन से उनका कमेंट से हमारा घर चलता है, ये बोलना है अरमान मलिक का। जब मैंने कमेंट्स में देखा तो कमेंट्स में आया कि मुझे तो लग ही रहता है कि ये चौथी में कुछ ना कुछ गंडा गोल है, क्योंकि ये मतलब जैसे घर पे रहती है, मुझे तो ये लग गया था कि ये हो सकती है इसकी पत्नी है। बट यहाँ पे इन्होंने ओपनली नहीं बोला है। भाई, अगर ये सच में इनकी पत्नी होगी ना, तो ये चौथी शादी होगी। आप तो पता है कि बिग बॉस के घर पे आए थे अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों को लेके। फर्स्ट वीक में पायल मलिक जो है आउट हो गए, एंड देन उसके बाद अरमान मलिक फिनाइले से कुछ वक्त पहले आउट हो गए, एंड देन उसके बाद जो कृतिका मलिक थे वो फिनाइले तक जाके भी जीत नहीं पाए। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने काफ़ी हद तक ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाया, और यहाँ पे जो कृतिका मलिक थी वो पायल मलिक की बेस्ट फ्रेंड थी, और बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड को घर में ही घुस के अपना घर बना ले, कितनी अच्छी दोस्ती थी कि चलो भाई, दो लड़की से क्यों शादी करना, एक ही से कर लेते हैं, दोस्ती ज़िंदगी भर आबाद रहेगी। तो ये सब मैं तो मजाक कर रही थी आपको। तो गाइस, आपको सच में ऐसा लगता है कि ये लड़की जो लक्ष्य है वो अरमान मलिक की चौथी वाइफ हो सकती है? व्हाट डू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।